अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को कर रहे होंगे इंजॉय। तो व्यूवर्स, आज मैं एक नई और बहुत 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 टेस्टी रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। तो व्यूवर्स, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले आपने करना होगा मेरा एक काम, और वो काम ये है कि आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि मेरे आइंदा आने वाले नोटिफिकेशंस, मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक करते रहें। तो व्यूवर्स, ये जो आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रही हैं, इसको देख के आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं आज एप्पल डिलाइट। एप्पल डिलाइट ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एप्पल हमने लिए हैं जी 4 से 5 एप्पल्स। उसके बाद आपको हमारे पास नज़र आ रहे हैं नेस्कैफे के सैशे, ये आपने लेने हैं 3 सैशे, नेस्कैफे के 3 सैशे लेने हैं। उसके अलावा आपने लेनी है चॉकलेट, मैंने तो रखी हुई है ओरियो, डेरी मिल्क ओरियो है। आप कोई भी चॉकलेट, प्लेन हो या कोई भी हो, नट्स वाली भी हो जाए अगर आप पसंद करते हैं, प्लेन भी हो जाए। वैसे नॉर्मली मैं प्लेन डालती हूँ, लेकिन आज ओरियो डाल रही हूँ, डेरी मिल्क ओरियो, एक चॉकलेट बड़ी वाली। उसके बाद 1/2 कप हमारे पास शुगर है, ये आप देख लें, और 1 पैक जो है मेरे पास ये करीम है हलीब की। कोई भी करीम आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इस टाइम अवेलेबल थी हलीब, और हम हलीब डाल रहे हैं, 1 करीम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है न्यूटेला। ये आपने जितनी, अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो आप उसको ज़्यादा डाल लें, हमें जितनी पसंद है, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून। अगर हमें ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं अपनी रेसिपी का। तो व्यूअर्स, आप लोग ये देखें, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, एप्पल काट लिए हैं, ठीक है। चीनी ऑलरेडी हम डाल के रखी हुई थी, और चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट दिए हैं, ठीक है। और ये जो कॉफ़ी थी साशे में से मैंने निकाल के 3 साशे इसमें डाल दिए हैं। ये है न्यूट्रेला और ये है क्रीम, जो हलीब की क्रीम हमने आपको बताई थी, ये हमने फेंट ली है, अच्छी तरह फेंट के रख ली है। अब हम इनको मिक्स करते हैं, एप्पल डिलाइट हम रेडी करते हैं, अब आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो ये हमने ले लिया बाउल, इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं एप्पल जो हमने सेव काट के रखे हुए थे, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हमने डाल लिया। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर, जो चीनी हमने 1/2 कप रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आपने अगर कम डालनी है तो कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करें कॉफ़ी, 3 साशे थे कॉफ़ी के, ये हमने ऐड कर दी कॉफ़ी। उसके बाद हम इसमें ऐड करें न्यूटेला, तीन चम्मच हम इसमें डालेंगे टेबलस्पून न्यूटेला के। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिसको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल लें, जिसको कम पसंद है वो कम डालें, और जिसको नहीं पसंद वो ना डालें। ये हो गए जी न्यूटेला हमने डाल लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो क्रीम हमने हलीब की फेंट के रखी हुई थी, वो डाल रहे हैं हम इसमें। तो हमने सब चीज़ें ऐड करके इसको सही अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब चीज़ें तो हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी थी, सिर्फ अब हमने करनी है ये जो चॉकलेट्स थी, इसके चंक्स जो मैंने काट के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा जो एप्पल डिलाइट है वो हो गया रेडी। ये आप देखें, ये चॉकलेट के चंक्स इसी तरह से आपने काटने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत 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 टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा। अब हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले पहले आपने करना है ये काम, वो काम ये है
सॉरी, बादल गरज रहे हैं भाई, बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। बादल तो आपने करना है मेरा एक काम, वो काम ये है कि मेरी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।